पश्चिम बंगाल में आंदोलनकारी चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बेशर्त माफी मांगने की मांग की है और चार दिनों से चल रहे अपने आंदोलन को वापस लेने के लिए राज्य सरकार के लिए 6 शर्तें तय की हैं। चिकित्सकों के इस आंदोलन ने समूचे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरीके से बाधित किया है। जूनियर डॉक्टरों के संयुक्त मंच से प्रवक्ता डॉक्टर अर्धम दत्ता ने कहा है कि SSKM हॉस्पिटल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने हमें संबोधित किया था, उसके लिए हम उनसे यह मांग करते हैं कि वे बेशर्त माफी मांगे। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी खबर हम आप तक हमेशा पहुंचा सके। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलनकारी चिकित्सकों को गतिरोध सुलझाने के लिए शुक्रवार शाम को ही राज्य सचिवालय में बैठक बुलाई थी, पर चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के निमंत्रण ठुकराते हुए उन्हें मिलने से इनकार कर दिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हड़ताली डॉक्टरों से अपील की है कि वे हड़ताल को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाएं। उन्होंने डॉक्टरों से कहा है कि वे काम पर लौट आएं और इस मामले पर दिल्ली में डॉक्टरों के एक प्रतिमंडल में हर्षवर्धन सिंह ने मुलाकात की थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों को बांग्ला भाषा में बोलना सीखना होगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दोहराया है कि बाहरी लोग राज्य में डॉक्टरों के आंदोलन को उकसा रहे हैं। ममता ने भाजपा पर बंगालियों या अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि बाहरी लोग डॉक्टरों को उकसा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन करके कहा है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब अभी नहीं मिला है। त्रिपाठी ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री से संपर्क करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मुख्यमंत्री ने फोन ही नहीं उठाया। कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य की ममता सरकार से कहा है कि वह हड़ताल कर रहे चिकित्सकों को काम पर लौटने और मरीजों को सामान्य सेवाएं देने के लिए राजी करे। मुख्यमंत्री TBS रामकृष्ण और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम घोष की खंडपीठ ने दो डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध से सरकारी अस्पतालों में कनिष्ठ चिकित्सकों की हड़ताल कर रहे उन्हें अंतिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने बंगला सरकार से कहा है कि वह जल्दी हड़ताल कर रहे डॉक्टर से बातचीत करे और मामले को सुलझाए। हाईकोर्ट ने एक याचिका सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी को निर्देश भी दिया है कि वह 7 दिन में डॉक्टरों से बातचीत करके यह समस्या को हल निकाले। अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वे सोमवार रात को राज्य में एक अस्पताल में कनिष्ठ चिकित्सकों पर हमले के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी अदालत को वो बताएं।